लोकसभा चुनाव का घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल जीत के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी को घेर लिया है। इसी के साथ ही अखिलेश यादव भी बीजेपी पर जमकर बरसे। अब मेरे तीन सवाल बहुत सिंपल सवाल है साहब, लेकिन कांग्रेस चुप बैठकर बोल बैठ गई है, बनकर के मुंह पे ताला लगा दिया है उसने। ये चुप्पी खतरे वाली चुप्पी है भाई, उनके अंदर खेल है और मैंने अब उनके दिमाग का एक्सरे निकाल रहा है। वो आपका एक्सरे निकालने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा पहले इनका दिमाग को देखूं अंदर है क्या, तो उसमें वोट बैंक ही नजर आ रही है। बस हर चीज में वोट बैंक, हर चीज में वोट बैंक। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे उनके सागरित, और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं, उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। आप तो वनवासी हो, अब तो वन है ही नहीं, तो आप जाके भीख मांगो। ये इनकी सच्चाई है भाई और बहनों, इनकी नीयत खराब है। ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछो, मैं चैलेंज करता हूं, आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछो और उससे कहो कि आप हमें बताओ कि हम आदिवासी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जमीन पर, जंगल पर, जल पर हमारा पहला हक बनता है, क्योंकि हम यहां पहले मालिक थे। किसी भी बीजेपी नेता से पूछो और उससे कहो कि ये सच है या नहीं, वो आपको जवाब नहीं दे पाए। वो आपसे कहेगा नहीं भाई, आप तो वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आप ऐसे सवाल मत पूछो, अधिकार की बात मत करो। भाई और बहनों, 10 साल नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को फायदा पहुंचाया। मैं आपको आज सिर्फ 2-3 चीजें कहने आया हूं, हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। यहां मुझे आदिवासी महिलाएं दिख रही हैं, आप यहां खड़ी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। क्रांतिकारी काम जो किसी सरकार ने, दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया, वैसा काम इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। उन्होंने अभी ताली वो तो चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा ना, ताली 5 मिनट चलेगी, आप देखना अपने आप ऑटोमेटिक 5 मिनट ताली बजेगी, देख लेना। तो भाई और बहनों, उन्होंने 22 अरबपति बनाए। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं,
इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी, आप सपना भी नहीं देख सकते। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो होने वाला है, आप सपना भी नहीं देख सकते कि ऐसा काम किया जा सकता है। अब सुनिए, सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें सबसे ज्यादा परिवार आदिवासी, दलित और पिछड़े होंगे। सही भी है क्या, धर्म नहीं है 40% में? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मुझे बताओगे 40% में क्या धर्म नहीं है? नहीं, आप भूलिए ना, जब 40% में धर्म है और पिछड़े और दलित को बांध दिया आपने, वो ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने किसके साथ धोखा दिया है, सोचिए आप। और गणित लगाइए, आप गणित बैठ करके लगाइए। जब आप गणित बैठ करके लगाओगे तो आप पाओगे कि बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा धोखा धर्मों को भी दिया है और जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला उसको भी। वो जब समय आएगा, जैसे जैसे फेस चुनाव आगे बढ़ेगा, हर जगह प्रचार मिलेगा। हैं? देखिए ऐसा है, देखिए कोई मैं टिप्पणी कर दूंगा तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी, बहुत आगे तक चली जाती है। देखिए एक मिनट, कहने को हमारी धरती माँ है, कहने को धरती माँ है, गंगा माँ है, यमुना माँ है, नदियाँ सभी माँ है, तो इस कौन से नई बात है? हमारी आपकी सबकी माँ है, धरती जो है हमारी आपकी सबकी माँ है, लेकिन उन्हें जवाब देना चाहिए जो क्यूटो और माँ गंगा को साफ करना चाहते थे। बीजेपी जैसे जैसे फेस आगे चुनाव रहेगा, सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और क्या बीजेपी सबके लिए वोट नहीं मांग रही है? आपको सवाल ये पूछना चाहिए, गाड़ी है कि मोटरसाइकिल आप पे, आप बताओ। नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, उसे बुरा मत मानना, आप बताइए आप पे गाड़ी है कि मोटरसाइकिल है? गाड़ी है तो आप खुद पता करना, जो मोटरसाइकिल ये सब नौजवान जानते होंगे 60,000 रुपए में आती थी। अरे रुक जाओ, अभी रुक जाओ, जो मोटरसाइकिल 40,000 50,000 में आती थी, अब कितने में आती बताओ?